काम करना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यू डोंट टेक इट एज एन एक्सरसाइज, यू टेक इट एज अ as a work which has to be accomplished. The moment you will do this, you will be able to do it well. See, since it is not my lecture, some other day I will give a lecture on my research. I would like to introduce my friend, a learned colleague of ours. She is from Mumbai, SMET University, Pune. Inka kya hai? Inka kaam is like, What should you say? It's like she works on it and she completes it. Everything is with, she is very focused about it. मैंने कल इनसे कहा कि हम तुम्हारे पेपर्स के बारे में नहीं बताएंगे, बस ये बताएंगे कि आजकल जैसे ओरल हिस्ट्री पे हम काम करते हैं, तो she was one, she is one person who has worked on that also, and she is one person who has worked on monuments also and tried to find out details in it. एक बार इन्होंने मुझे कहा है, रंजना कहेगी कि मधु को कितना याद रहता है, शी वॉज टू गिव हर पेपर, शायद कोई एक मॉन्यूमेंट था मुंबई का एक, उस पर इन्होंने काम किया था, सम फ्लोर टाइप पेज, तो मुझे छील के रख देते हैं, यू वुड हैव आस्क्ड मी सो मेनी क्वेश्चंस. आई थिंक द मोमेंट यू आर आस्क्ड क्वेश्चंस एंड द मोमेंट यू आर एबल टू आंसर, दैट इज वेयर यू हैव डन इट. Nobody else should tell you, you can tell yourself. I think with that, I welcome her to the department. Today she is going to talk about subaltern history. I think we all must know about it. And the best part is, the history ke baare mein to kehte na, are raja raniyon ki kahani hai. No, it was not that. Raja raniyon ke paas ek praja thi, aur usi praja ki kahani hai jise ki aaj hum bahar lane ki koshish kar. बिकॉज अगर सिर्फ राजा की कहानी होती तो नो रेवोल्यूशन, नो चेंज एंड नो चेंज फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी वुड हैव टेकन प्लेस. सो दिस ट्रांजिशन इज इम्पॉर्टेंट, द चेंज इज इम्पॉर्टेंट एंड हाउ इट इज डन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. दिस इज वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो आई वेलकम हर एंड एज यूजुअल. Very warm welcome to all of you, and I'm immensely grateful to Madhu ma'am and all her colleagues at the Department of Western History Department for inviting me to address myself in front of such erudite scholars and as well as the budding scholars. So as Madhu ma'am rightly said, history, I also feel I'm very passionate about it, that it is one of the most important subjects, I feel, because it is interdisciplinary. It is related with all the subjects. And she said, like history, and people say, folk, and I feel without history, we are incomplete. The longer you look back, the further you can look forward. So history is the most important, and today we will be I'll be talking on, you know, a different narrative on history, and that is subaltern. And subaltern is a new trend in history writing. History writing, all of us know about historiography. Like when we, without historiography, any history is incomplete, because in that context only we isi context mein hume हिस्ट्री पता चलता है कि क्या है सबल्टर्न, एंड देन वी कम टू नो अबाउट कितना ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. सो अभी जो 20th सेंचुरी में बहुत सारा न्यू ट्रेंड आया हिस्ट्री राइटिंग का, उसमें ओरल हिस्ट्री है, फेमिनिस्ट हिस्ट्री है, हिस्टोरियोग्राफी है, सबल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी है. सो इस प्रकार आप पॉपुलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है. सो हम लोग उसी कनेक्शन में टुडे वी आर बी टॉकिंग ऑन
सबल्टर्न स्टडीज कि सबल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी क्या है. जैसे यू ऑल कैन सी ऑन माय स्क्रीन यू नो लॉट्स ऑफ वीमेन आर देयर एंड पुअर पीपल आर देयर. सो फेमिनिस्ट हिस्ट्री इज अ डिफरेंट अब एक डिफरेंट डिसिप्लिन है. लेकिन इसमें भी इसमें कंफ्यूजन क्या है, मार्क्स भी वही बोलते हैं. जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है दे ऑल्सो टॉक अबाउट एंड दे से इज अ स्टडी ऑफ द पेजेंट्स एंड वर्कर्स. तो वो भी तो डाउनट्रॉडन है, वो भी तो नीचे वर्ग के हैं. पॉपुलिस्ट कहते हैं कॉमन पीपल, तो वो भी तो कॉमन पीपल हैं. तो फिर अंतर क्या है सबल्टर्न एंड पॉपुलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट. सो फॉर आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग बट गैप एक डिफरेंट टेक है सबल्टर्न का. क्या है सबल्टर्न में, मार्क्स कहते हैं वर्कर्स एंड अगर आप जानेंगे तो वो ज़्यादा मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने ध्यान दिया जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं. सो ही दे टॉक्ड अबाउट ओनली द वर्कर फैक्ट्री वर्कर्स. लेकिन जो किसान बाद में उन्होंने किसान को भी अगर आप माओ से तुम देखेंगे तो पेजेंट था. लेकिन अगर आप देखेंगे लेटर ऑन लेकिन ज़्यादा उनका फोकस इज ऑन वर्कर्स फैक्ट्री वर्कर्स और मजदूर जो प्राइवेट नहीं. पॉपुलिस्ट जो जनरल पीपल हैं तो उनके बारे में कहा जाता है कि जनरल में ऑल हम लोग सब आते हैं जैसे टीचर्स हैं फिलोसफर्स हैं एवरी वन हूसोएवर कम टू दैट रंग रैंक उस नीचे के रंग में हम लोग. जो सबल्टर्न है उसमें है जितने भी इट्स इट डज नॉट टॉक अबाउट क्लास. देखिए क्लास कहने से वर्ग है. हम सबल्टर्न में कास्ट है सेक्स है क्रीड है और वो लोग हैं जिनकी आवाज़ नहीं सुनी गई. तो अगर हम सोचेंगे हम दलित हैं लाइक बिकॉज वी हैव दलित हिस्टोरियोग्राफी ऑल्सो बट इफ आई एम होल्डिंग अ हायर पोजिशन अगर मैं हायर पोजिशन में हूँ एंड माई वॉइस कैन बी हर्ड बाई द गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट मेरी आवाज़ सुन रहा है आई एम इन अ पोजिशन वेयर आई एम असर्टिव. मैं जोर से बोलती हूँ कि मेरा ये अधिकार छीना जा रहा है. आई एम नॉट एट ऑल सबल्टर्न जहाँ पर आपकी जिन लोगों की सो इट इज मार्जिनलाइज क्लास सबसर्वियंट क्लास जो नीचे के हैं दलित या औरत या मजदूर इसमें कोई किस्म जिनकी आवाज सरकार तक वॉइसेस हैव नॉट बीन हर्ड उनको सबल्टर्न में रखा गया. आई होप आई एम क्लियर इन सबल्टर्न concept. So this is what a new concept is. And here I'm reminded of a line, not by eastern windows only, when daylight comes in the light, in front look sun climbs slowly, how slowly, but westward look the land is bright. क्या हुआ कि केवल हम लोगों को लगता है कि सूरज जो है वो ईस्ट से उगता है लेकिन ऐसी बात नहीं है. जब आप शाम में देखेंगे तो पश्चिम दिशा भी ब्राइट रहता है. तो जब सबल्टर्न स्कूल आया तो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी कैम्ब्रिज स्कूल था दैट इज हिस्टोरियोग्राफी एंड वी ऑल्सो कॉल इट कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी. देन वी हैड नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी देन वी हैड मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी और इन सब में जो सब नीचे के वर्ग थे जिनकी आवाज़ उनको नहीं इम्पोर्टेंस दिया गया था. तो जब ये नया कॉन्सेप्ट आया तो लोगों के मन में बहुत क्रिटिसिज्म आया इसका लेकिन अब लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है एंड इट हैज़ बीन एक्चुअली accoladed by people. बहुत इसको accolade मिला है क्योंकि बिना उसके history incomplete है क्योंकि यही एक ऐसा historiography है writing जिसने interdisciplinary को encompass किया लेकर चला.
आगे हम लोग उसको देखेंगे. सो सबल्टर्न का मतलब होता है लोअर रंग पीपल, लोअर रंग नीचे, सबसे नीचे के लिए. एंड सबल्टर्न इज मार्जिनलाइज एंड सबसर्वियंट. लेकिन हम लोग जो बात करते हैं कि जिनकी वॉइस नहीं सुनी गई और उसको हम लोग इस हिस्ट्री में इनकॉर्पोरेट किए, तो जब भी हम लोग अपने नेशनलिस्ट मूवमेंट को पढ़ते हैं या किसी भी मूवमेंट को पढ़ते हैं, तो उसमें इस क्लास का क्या टेक था अबाउट फ्रीडम मूवमेंट, क्या टेक था अबाउट दैट मूवमेंट, दैट इज सबल्टर्न हिस्ट्री. सबल्टर्न हिस्ट्री में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, द वन पर्सन हु प्रोपाउंडेड, हु कॉइन्ड द वर्ड, उनका नाम था एंटोनियो ग्राम्सी. एंड एंटोनियो ग्राम्सी जो थे वो इटली के, एंड ही वॉज अ मार्क्सिस्ट एंड अ फिलोसोफर. लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आपको पता है कैसे मुसोलिनी आए एंड वेरी ग्रेट मूवमेंट वॉज गोइंग ऑन, और तब उनको जेल में डाल दिया गया था. लेकिन ही वॉज अ ट्रू स्कॉलर, एक ट्रू इतिहासकार थे. तो उन्होंने कहा हम बिना लिखे तो नहीं रह सकेंगे जेल में. एक्चुअली ही डाइड इन जेल, बट ही स्टार्टेड राइटिंग. तो उनको कहा गया आपका जो बुक है वो दैट विल बी स्क्रूटिनाइज. तो उनको डर था अगर हम क्लास लिखेंगे तो पीपल विल कम टू नो मैं मार्क्सिस्ट. So he coined the word subaltern. तो जहाँ क्लास आता था he started using subaltern. And that is how subaltern आया. इसीलिए एंटोनियो ग्राम्सी को कहा जाता है he is the one who coined. लेकिन उसी समय एक और बात, concise Oxford जो dictionary है that also उसमें हम लोगों को मिलता है lower line. जो सबसे लोअर पोस्ट, क्योंकि इंग्लैंड में ये सबल्टर्न वर्ड यूज हो रहा था वो सिपाहियों के लिए जो सबसे नीचे तबके पे थे. लेकिन वो केवल तबका था तो उसके लिए वो सबल्टर्न यूज करते. सबल्टर्न का के जो फादर है हु इज नोन एज फादर ऑफ सबल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी, वो है रंजीत गुहा. एंड आपको पता होगा रंजीत गुहा इसी साल उनका अप्रैल में 100 इयर्स के बाद, लाइक ही वाज जस्ट गोइंग टू कंप्लीट 100 देन ही डाइड. और उनका कंट्रीब्यूशन काफी है. रंजीत गुहा ने ये वर्ल्ड क्वाइन किया, जबकि ये सेसेक्स यूनिवर्सिटी में. हिस्टोरियोग्राफी आपको पता है व्हेन हिस्टोरियंस राइट दैट, उनका क्या बैकग्राउंड है दैट इज इम्पैक्टेड ऑन द हिस्ट्री, आप पता लगा लेंगे कहाँ से हैं. इसीलिए ईएच कार अपने व्हाट इज हिस्ट्री बुक में उन्होंने साफ कहा है जब आप इतिहास लिखो तो किसी भी चीज से आप इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, इज बेस्ड ऑन फैक्ट. उनका पहला ओपनिंग लाइन यही है, बट ऑल फैक्ट्स आर नॉट हिस्ट्री एंड वन शुड नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट. तो लेकिन ये एक बात है कि सारे इतिहासकार जब लिखते हैं तो हम बायस होते हैं, कहीं ना कहीं से वी गेट इम्पैक्टेड, हम हमारा जो विचार है वो दिखता है. तो यहाँ पे रंजीत गुहा लोगों ने जो थे वो सेसेक्स यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में, और सबल्टर्न हमारे इतिहास लेखन के लिए एक ग्रुप उन्होंने वो शुरू किया भारत में नहीं रहकर, भारत के बाहर. एंड अ ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस दे जॉइंड मी, और यहीं से सबल्टर्न हिस्ट्री आई. एंड सबल्टर्न हिस्ट्री में रंजीत गुहा ने सबसे पहले उन्होंने बहुत सारी किताब लिखी, लाइक उनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट किताब है, बहुत सारी उनकी सीरीज ऑफ बुक्स है, बट इम्पॉर्टेंट ऐसे जो उन्होंने लिखा एंड आस्पेक्ट बिकॉज इज वर्क वॉज ऑन पेजेंट मूवमेंट, भारत में जो किसान आंदोलन हुआ. और उन्होंने कहा एंड आस्पेक्ट्स ऑफ इंसर्जेंसी ऑफ पेजेंट रिवेलियन
इन कॉलोनियल इंडिया, कॉलोनियल इंडिया पर उन्होंने जो पेजेंट्स का मूवमेंट था और वो किताब पूरे इसमें एक क्रांति लिया। उन्होंने कहा हमारे किसानों ने जो विद्रोह किया वो विद्रोह चाहे आप उसको कोई भी किसी भी जगह भारत के जहाँ पे उन लोगों ने विद्रोह किया उसका एक अलग इम्पैक्ट था ब्रिटिशर्स पे, और अगर वो नहीं आते वो कभी मेन स्ट्रीम में उनको नहीं लाया गया, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। तो ये बात बहुत उन्होंने इम्पैक्टली कही जोर से, और उस समय उन्होंने हिस्ट्री लिखना शुरू किया वॉल्यूम में, सीरीज ऑफ हिस्ट्री, और वो था सबल्टर्न स्टडीज। उन्होंने उसी पर किया और वो था हिस्ट्री ऑफ यू नो लाइक साउथ एशियन हिस्ट्री एंड कल्चर। 12 वॉल्यूम है, 6 वॉल्यूम खुद उन्होंने लिखा, बाकी 6 में जो बाकी हिस्टोरियंस हैं जैसे देवीरा आर्नॉल्ड हैं, हार्डीमैन हैं, फिर लॉट्स ऑफ पीपल लाइक पार्थ बैनर्जी हैं, फिर गायत्री पीवॉक हैं, स्पीवॉक हैं, तो एन नंबर ऑफ पीपल ने उनको ज्वाइन किया। उन्होंने इस 6 सीरीज में पूरे साउथ एशिया में ही भारत है, तो उन्होंने पूरा साउथ एशियन कंट्रीज में कहा कि बिना जो लोअर स्ट्राटा के लोग हैं, मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, उनके बगैर ये मूवमेंट इनकम्प्लीट था। उसके बाद अभी एक सवाल उठता है कि क्यों सबल्टर्न स्टडी को रिकॉग्नाइज किया गया जबकि इतना इसके बारे में अपोजिशन था। तो पहला जो रीजन है करने का, बिकॉज दे वेयर टोटली फॉर इट विथ पैशन, एज मधु मैम सेड, अंटिल अनलेस यू हैव पैशन, यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, नोबडी इज गोइंग टू एक्सेप्ट इट। सो ही वॉज, दे वेयर ऑल फॉर इट, दे इंसिस्टेड। उन्होंने काफी आर्टिकल, जैसे मैंने लिखा है, 12 सीरीज बनाया, नियर अबाउट मोर देन 76 उनका पेपर पब्लिश हुआ। सो एवरी टाइम दो दे वेयर बीइंग रिफ्यूटेड बाय पीपल, दे वेयर कन्फ्रंटेड बाय पीपल, बट उन्होंने छोड़ा नहीं। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि हाउ इट वाज एक्सेप्टेड। एंड द सेकंड थिंग इज दे वेयर टेनेशियस, वो लगे रहे इसमें और लगातार काम करते रहे विद कन्विक्शन, विश्वास के साथ, और इसी के लिए सबल्टर्न स्टडी, जैसे आप देखेंगे इवन इरफान हबीब, इवन यू नो रामचंद्र बुआ, ऑल ऑफ देम हैव एंड दे हैव देयर ओन सेट ऑफ क्रिटिसिज्म दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट नाउ, जस्ट नाउ। एम्स ऑफ सबल्टर्न क्या था? तो पहला था कॉमन पीपल को एक्सपोज करो कि ये कॉमन पीपल है, जो टू मेक देम अवेयर कि आप लोग के चलते ये हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस वाज द एम, टू रीच टू देम। सेकंड वाज उनके कॉन्शियसनेस को अवेक करना, टू मेक देम इट इज बिकॉज ऑफ यू पीपल, your voices should be heard by government, you have contributed a lot, the only thing you did not know about how much you contributed bharat ko swatantra banne mein, so that was another thing। and then the third important thing jo tha wo tha, because aap jante hain itihas lekhan bina sources se incomplete hai, whether it is archaeological or literary, जनरली वी डिवाइड इट इंटू टू ग्रुप्स। तो इन्होंने देखा कि कॉमन पीपल का तो ना आर्कियोलॉजी का कुछ है और ना लिटरेरी सोर्सेज है, सो दे इवॉल्व अ न्यू मेथड, ओरल हिस्ट्री। उन्होंने इंटरव्यू लेना शुरू किया, लोगों से बात करना शुरू किया, उसको प्रोजेक्ट करना शुरू किया, नंबर देखा, फोटो लिया, फोटो स्पीक्स वॉल्यूम,
अगर आप नहीं भी कर रहे हैं, आपका फोटो ही बता देगा क्या बात हो रही है. यू नो यू कैन जस्ट गेट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. तो उन्होंने ऐसा सोर्सेज बनाया एंड तब इनके बारे में, रंजीत गुहा के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने क्या क्या इस्टैब्लिश किया. सबसे पहले बिकॉज ही वॉज अ लेजेंड, ही वॉज अ लेगेसी, लाइक ही गेव अ लेगेसी टू द प्रेजेंट हिस्ट्री. तो इन्होंने सबसे ज्यादा जो किया वो था एलीट थ्योरी जो था उसको अपोज, एलीट क्लास. लाइक ही हैज गिवन रेफरेंस ऑफ कि जितने भी लीडर्स होते हैं जनरली दे टेक द क्रेडिट कि इट्स बिकॉज ऑफ मी आई हैड ऑर्गेनाइज सच एंड सच प्रोग्राम, देयर वाज अ मास मूवमेंट दैट वाज गाइडेड बाय मी. अगर वो मास मूवमेंट नहीं एस्ट्रे हो जाता, अगर मैं नहीं होता, तो सारे लीडर्स को, तो इन्होंने उसको काटा, रिफ्यूट किया, कंफ्यूज किया और उन्होंने कहा ये गलत है. और इन्होंने तीनों हिस्टोरियोग्राफी को तब अटैक किया. सबसे पहले उन्होंने कहा कॉलोनियल एंड कैम्ब्रिज स्कूल. तो उनका मानना था कि उन लोगों ने जो हम पर रूल किया वो हमारे फायदा के लिए, इट वॉज वाइट लाइक बर्डन ऑन द वाइट मैन शोल्डर, उनके कंधे पे हम थे क्योंकि हम बीमार थे. उन्होंने जो रेलवे यूज किया, उन्होंने जो एडुकेशन, वो कॉमन लोगों के वेलफेयर के. तो इन्होंने उसको काटा और कहा कि ठीक है तुम्हारा वेलफेयर, बट व्हाट अबाउट तुम तो कन्फाइंड रहे, तुम अगर हंटर लाइन में भी गए, इंटीरियर में गए, तो तुमको रॉ मटेरियल लेना था. हमारे गरीबी बढ़ती गई, गरीब वर्ग के वो एक्सप्लॉयट होते गए और इसीलिए हमारा इतना सारा फेमिंग्स दिखता है आफ्टर लाइक द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स. बिकॉज तो कॉमन जनता सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई. और जो आप बोलते हो कि आपने वेलफेयर किया, इट वॉज नॉट आपका स्वार्थ, उन्होंने वहाँ उनको रिफ्यूट किया. दूसरा था नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी और उनका मानना था मैंने मास को लिया, पूरी जनता को लिया एंड देन आई वॉज गाइडिंग देम लाइक महात्मा गांधी एंड अदर लीडर्स जो हम उनको गाइड कर रहे थे. और उसमें जितने भी मार्जिनलाइज थे, विमेन थी, सब आए, सब ने पार्टिसिपेशन किया. बट इनका कहना था कि आप अदर वे राउंड सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैंने गाइड किया, अगर जनता नहीं होती तो आप नहीं होते. और इसको जो आपने मास इमेज दिया है इट्स बिकॉज ऑफ द कॉमन पीपल. तो उन्होंने उनको रिफ्यू. फिर मार्क्सिस्ट को बोला, मार्क्सिस्ट ने कहा तुम्हारा सबल्टर्न कुछ भी नहीं है, मेरा एक्सटेंशन, लाइक यू हैव कॉपीड फ्रॉम मी. तभी रामचंद्र गुहा को अच्छा, बहुत बड़ा हिस्टोरियन माना जाता है. बिकॉज अगर आप देखेंगे आर एस शर्मा, अगर आप देखेंगे कोसाम्बी, अगर आप देखेंगे डी एन झा, ये जितने भी मार्क्सिस्ट हैं उनके आगे लाइक कोसाम्बी थे तब आर एस शर्मा को एक रास्ता मिला, एक बैकग्राउंड था सब हिस्टोरियन के पीछे. बट जब सबल्टर्न शुरू हुआ तो कुछ भी नहीं था रंजीत गुहा के सामने. तो ही इज द वन जिनको हम लोग कहते हैं कि पैराडाइम शिफ्ट किया उन्होंने, इट वॉज अ शिफ्ट. मतलब कुछ उनको बैकग्राउंड नहीं था, पहला टाइम इट वॉज अ पैराडाइम शिफ्ट. तो उनको कहते हैं कि वो लकीर से हट कर उन्होंने काम किया. तो जब मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस कहने लगे तो उन्होंने कहा पहली बात तुमने कॉमन पीपल को लिया, मास मूवमेंट, उनका पेजेंट्स एंड ठीक है पेजेंट्स को तो इन्होंने कहा था कि तुमने कम लिया, बट वर्कर्स, बट तुमने और भी जो दलित हैं जो कभी नहीं आए, जो फैक्ट्री में भी काम नहीं किए,
जो गरीबी में उनका कहाँ है तुम्हारे पास, उनको तुमने कहाँ इनकॉर्पोरेट किया। तो इस प्रकार उन्होंने एलीट कॉन्सेप्ट, और उन्होंने उनको भी बोला कि तुम्हारे लिए कुछ कुछ मूवमेंट्स जो मार्क्सिस्ट मूवमेंट्स है, जो लाइम लाइट में है, जो मेन स्ट्रीम में है, तुमने उसको ज़्यादा इम्फोसाइज किया। तो उन्होंने पहला रिफ्यूज किया। फिर सेकेंड पॉइंट जो उनका है वो है सेंटर एंड पेरिफेरी, जो मधुमेह ने अभी बोला। सारे स्टोरी उन्होंने अटैक किया कि सेंटर पे मत जाओ, सेंटर पे तो सब, तुम पेरिफेरी में जितने लोग हैं उन पर ध्यान दो, तभी जो इतिहास है वो अनबायस होगा, नहीं तो इतिहास हमेशा बायस है और इतिहास का इंफॉर्मेशन हम लोगों को पूरे तरीका से नहीं मिलेगा। थर्ड उन्होंने कहा हिस्ट्री जो है वो जब जनता को लेती है, थर्ड पॉइंट जो हमने लिखा है वो है कि तुम जब जनता को, तो यू टेक जनता और पीपल एज एन ऑब्जेक्ट कि ये आदमी है। तो उन्होंने कहा हिस्ट्री हमेशा ऑब्जेक्टिफाई कर, तो इसी के लिए उन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा लिटरेचर, हिस्ट्री ये नहीं बताएगी जनता कितना दुखी है, क्या है, कितना हुई, कितना सफर की। अगर लिटरेचर आता है तो हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। जैसे अगर आप अभी देखेंगे, अभी मेरा जो रिसर्च चल रहा है वो है धर्मन बीबी एंड शी वॉज कोटिजन ऑफ कुंवर बाबू कुंवर। कोई नहीं जानता है यहाँ पे आजीजन बाई एंड ऑल दोज कोटिजन्स का नाम है, पर थोड़ा बहुत है, पर बाकी कोटिजन्स का नाम तो बिहार में, बिकॉज बेसिकली आई एम अ बिहारी, दो आई स्टेड इन मुंबई फॉर 26 years, बट आई एम अ बिहारी। सो इन आरा देर इज आजीजन एंड देन आई विजिटेड दैट प्लेस। वहाँ पे जितने टीचर्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बाबू कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में, महाराजा कॉलेज में, एवरीबडी न्यू कि वो उनकी कोटिजन थी बाबू कुंवर सिंह। देन फोकलोर में, लेकिन कोई नहीं कहा कि उन्होंने अपने बेटी हुई उनको ट्विंस, उन्होंने कैसे दिया, फिर वो उनको सपोर्ट किया, इसके बारे में कोई कहानी नहीं है। तो जब तक आपको फोकलोर नहीं मिलेगा, जो गाना गाते हैं, जो ट्रेडिशनल हिस्ट्री में चला आ रहा है, आपको उसका पता नहीं चल पाएगा। ऐसे ऐसे कितने लोग ऑब्लिवियन में हैं, उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला है, बहुत सारे लोगों को। आज ही मैं देख रही थी आज के पेपर में है, आज के पेपर में है कि मालती चौधरी वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, वी नेवर स्टडी इन आर, आप लोगों ने पढ़ा था, इट वॉज एन आई ओपनर थिंग फॉर मी, आज मैंने पढ़ा है, एंड देन आई केप दैट पेपर कटिंग थिंकिंग दैट मैं उसको डालूंगी। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग विमेन्स कंट्रीब्यूशन में बाकी चौधरानी एंड बाकी लोगों का नाम देते हैं, बाकी मालती चौधरी का तो नाम है भी नहीं। तो सब ऐसे ऐसे लोग जिनको रिकग्निशन नहीं मिला। अब जो नए हिस्टोरियंस हैं, आप लोग ऐसे बडिंग हिस्टोरियंस, दे ऑल आर वर्किंग ऑन इट, और हम लोग के लिए भी अब नई पढ़ाई चल रही है। तो इन्होंने क्या कहा, लिटरेचर, लिटरेचर बहुत इम्पोर्टेंट है इंटरडिसिप्लिनरी। दूसरा उन्होंने क्या कहा, एंथ्रोपोलॉजी, हम एंथ्रोपोलॉजी से इतिहास को बहुत जोड़ सकते हैं, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, यू नो, इवन अगर आप देखें स्टैटिस्टिक्स, अब सब कुछ आ रहा है, इवन कंप्यूटर आ रहा है, बिकॉज फ्रॉम कंप्यूटर यू कैन नो कैसा था आदमी, कैसे उसको मरा, कैसे वो डेड स्केल्टन मिला है। सो इन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी, अगर आप देखें तो एंस स्कूल भी वही करता है ना, लेकिन इन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी पे बहुत
ध्यान दिया। देन डिफरेंस क्या था, इन्होंने क्या कहा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एलीट एंड मार्जिनलाइज्ड। तो इन्होंने सबसे पहले बोला जो एलीट है वो इकोनॉमिक क्लास है, क्लास लाइक अपर क्लास, लोअर क्लास, क्लास। और इन्होंने कहा कास्ट, क्रीड, सेक्स, यू नो वी टॉक्ड अबाउट दैट। सेकंड उन्होंने कहा कि जो एलीट क्लास है उनका मूवमेंट जो है वो वर्टिकल वर्टिकल। आप देखिए कोई भी अगर हम प्रगति कर रहे हैं तो इट इज मेरा पर्सनल अचीवमेंट, महात्मा गांधी और एनी लीडर वो बिकेम महात्मा तो उनका तो ये इट इज वर्टिकल। लेकिन जो पेजेंट रिवोल्ट्स है, जो बाकी रिवोल्ट्स है, आदिवासी रिवोल्ट्स है, यू नो चुहार रिवोल्ट्स है, वो हॉरिजॉन्टल, वो स्प्रेड करता है। इसी के लिए जो वर्टिकल है, जो एलीट मूवमेंट हुआ है वो पीसफुल है, वो लॉफुल है। और जो पेजेंट आदिवासी जैसे खोल मूवमेंट, यू नो मुंडा मूवमेंट, ऑल दीज मूवमेंट्स आर रिएक्शनरी। उनको जब दुख हुआ सो दे रिएक्टेड, और चूंकि वो लॉफुल नहीं था तो उनको सप्रेस कर दिया। सो रंजीत धुमा टॉक्स अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द टू। और दो फेजेज आया उन्होंने, पहला फेज में ही स्टार्टेड सिंपथाइजिंग विद यू नो डाउनट्रोडन। और उन्होंने फर्स्ट फेज में ही आप देखिए उन्होंने सारे मूवमेंट की बात, मोकला अपराइजिंग से लेकर खेड़ा मूवमेंट, अगर आप बारदोली मूवमेंट, फिर तेभाग मूवमेंट, यू नो लाइक ऑल मूवमेंट्स ही टॉक्ड अबाउट। पहला इसमें व्हेन ही वाज वेरी वेरी यू नो एम्पैथेटिक टुवर्ड्स देम, पहले उनके तरफ उन्होंने कहा कि इस क्लास को मार्जिनलाइज, सबसर्वियंट क्लास को हमेशा नेग्लेक्ट किया गया। सेकेंड फेज में उन्होंने क्या कहा, उसको कैटेगराइज किया जैसे जेंडर, कास्ट, और उस पे बात करना शुरू किया, नॉट नेसेसरली अपर यू नो लाइक एलीट। उन्होंने कहा जेंडर में भी देर आर सम वीमेन हु आर ऑन द हायर पोजिशन, सो जेंडर में भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है फॉर वीमेन फ्रॉम लोअर स्ट्रैटा। तो वैसा कर उन्होंने दो फेज में किताब लिखी और उसको दो फेज में बांटा। अब है बहुत सारे सपोर्टर्स आए सबल्टर्न के लिए, और अगर आप देखेंगे तो ये है शाहिद अमीन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे एंड देन लेटर ऑन ही ज्वाइंड रंजीत धुमा, ही इज हिज सन आदिल। सो ही वेंट टू तो इन्होंने क्या कहा, एक किताब लिखी शाहिद अमीन ने एंड दैट इज उनका नाम है इवेंट्स मेटाफर एंड मेमोरी ऑफ चौरी चौरा। तो उन्होंने क्या कहा कि गांधी, अगर आप मेन स्ट्रीम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो चौरी चौरा इज अ डेविएशन, उसी के चलते नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज सस्पेंडेड, गांधी जी सस्पेंडेड बिकॉज दे बर्न्ड द पुलिस। लेकिन इनका टेक अलग है, इनका कहना है अधीर ही वॉज द लीडर ऑफ चौरी चौरा हु एक्चुअली वॉज द फर्स्ट वन हु रिएक्टेड एंड यू नो लाइटेड दैट थाना। तो इन्होंने कहा मेन रीजन था कि वहाँ पे जो लोकल लोग थे उनको बिजनेस करने नहीं दिया था, जो लोकल लीकर्स बेचते थे वो अगर ये लोग कोई भी मना करते थे तो उनको पकड़ कर लाकर खूब मारा जाता था थाना में। जब गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन तो दे फाउंड समवर, और उसी में जो पीसफुल इन लोग जो मार्च कर रहे थे, जब पुलिस के लोगों ने अटैक किया, एक को गोली मारा, तो द होल क्राउड यू नो द एंगर गॉट इग्नाइटेड और इन लोगों ने बर्न किया।
तो ही गेव अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट और उन्होंने कहा ये नहीं है ये सोचना कि इनके चलते नॉन कोऑपरेशन जो गांधी जी ने सस्पेंड कर दिया, अगर उस समय सस्पेंड नहीं करते तो इट वुड हैव इंपैक्टेड ब्रिटिश, वो ब्रिटिश पर एक पहला दबाव पड़ता। अब उनका अब आप देखिए एक नया पर्सपेक्टिव वो इतिहास में ला रहे हैं। तो उन्होंने वो पर्सपेक्टिव लाया, तब है ज्ञानेंद्र पांडे, और ज्ञानेंद्र पांडे ने पेजेंट रिवोल्ट लिखा 1919 to 1920। इनको ज्ञान पांडे भी कहते हैं, कितने लोग आप लोग ज्ञान पांडे ही पढ़े होंगे, बट उनका नाम ज्ञानेंद्र पांडे है। तो इन्होंने पेजेंट रिवोल्ट में लिखा कि जो किसान आंदोलन है, जब जब किसान आंदोलन हुआ तो बहुत बिना लीडर के, मतलब जब भी कांग्रेस, अब आप देखिए इनवर्सली रिलेटेड, जब कांग्रेस बहुत पावरफुल है तो किसान मूवमेंट वॉज एट इट्स लो एब, जब कांग्रेस लो है तो किसान मूवमेंट ऊपर है। कैसे? तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, चौरी चौरा के बाद स्वराजिस्ट मूवमेंट आया 1923, और उसके बाद आप देखेंगे कि किस उस समय तो किसान मूवमेंट लो में बारदोली में, बिकॉज गांधी जी की विड्रू एंड देन स्वराजिस्ट पार्टी केम एंड देन कांग्रेस वॉज एट इट्स लो है। जब साइमन कमीशन एंड वो आए तब आप बारदोली में देखेंगे पेजेंट मूवमेंट अप है। तो उन्होंने कहा कि जब जब बुर्ज जो एलीट क्लास था कांग्रेस का वो ऊपर होता था तो किसान नीचे चले जाते थे, और जब मूवमेंट होता था तो वो ऊपर चले जाते थे और ये नीचे आ जाते थे। तो इन्होंने कहा इसलिए ये सोचना कि उनको सपोर्ट दिया ये गलत है, उनका सेपरेशन था, उनके बारे में कभी भी एलीट क्लास ने नहीं सोचा कि व्हाट आर देयर सॉरी ग्रीवांसेस। देन कम्स स्टीफन हेमिंग्वे, उनका जो है वो क्विट इंडिया, उन्होंने एक किताब लिखा क्विट इंडिया इन बिहार। अब देखिए क्विट इंडिया बॉम्बे में स्टार्ट हुआ, ओके, आई मीन बट ऑल ऑफ यू नो जैसे इंडिविजुअल सत्याग्रह था और बहुत जल्दी खत्म हो गया था 1942 में। लेकिन ये कहते हैं कि जो बिहार एंड ईस्टर्न यूपी, बिकॉज बिहार से सटा हुआ है ईस्टर्न यूपी, उस पर इन्होंने किताब लिखी, और इनका मानना है कि क्विट इंडिया का जो कॉन्सेप्ट था, जब सारे लीडर्स इफ यू रिमेम्बर 19 हम लोग जो सुमित सरकार पढ़े हैं, बिपिन चंद्रा पढ़े हैं, आदित्य मुखर्जी पढ़े हैं, मृदुला मुखर्जी पढ़े हैं, ऑल ऑफ देम हैव रिटन कि क्विट इंडिया मूवमेंट में ऑल बिग लीडर्स वेर बिहाइंड द बार, देन गांधी जी सेंट अ मैसेज, गांधी जी ने एक मैसेज दिया कि तुम लोग बाहर आ और तुम लोग अपने आप में लीडर हो, ऑल इंडियंस आर लीडर्स, सारे लोग लीडर्स हैं, तुम अपना रोल प्ले करो। तब उनका कहना है कि जो बिहार और इसमें हुआ उसका टेक अलग, उन लोग ये नहीं कह रहे थे ब्रिटिशर्स को कि तुम भारत छोड़ो, वो कह रहे थे हमारा ग्रीवांसेस दूर करो, हमारा रेंट को खत्म करो, जो हम पर टैक्स लगाया गया है वो एंड करो, हमको ऑल भी रिलीफ दो, दैट वाज द डिमांड ऑफ द पेजेंट्स। लेकिन सबको मार्जिनलाइज, सबको जितने भी मार्जिनलाइज पीपल थे सबको मेन सेंटर में लाया गया और बोला गया कॉमन पीपल ऑल ऑफ अस वी वांटेड, जबकि दोनों का मकसद अलग अलग था। दैट्स हिस्ट्री। तब है जो थर्ड है वो है डेविड हार्डिमन। हार्डिमन ने एक किताब लिखी साउथ गुजरात और वो था देवी मूवमेंट। ये देवी मूवमेंट क्या था? क्या था कि गुजरात के लोग तभी ड्रिंक्स नहीं लेते थे एंड जो ब्रिटिशर्स थे दे वेयर एक्सपर्ट इन मेकिंग लिकर्स, तो वो उसको अपोज कर रहे थे वहाँ के आदिवासी जितने भी थे, इसीलिए उनकी किताब का नाम है आदिवासी एसर्शन इन
साउथ गुजरात जो एसर्टिव बने वो उन्होंने कहा इसको बंद करो, तो देवी मूवमेंट करके नाम दिया, वो चलाए और उसको सप्रेस किया वहाँ। तो इनका कहना है कि विदाउट ऑल दीज थिंग्स हर एक जगह भारत में अगर आप देखें मुंडा अपराइजिंग है आदिवासी का, हाँ, सो आप देखेंगे कि जितने भी संथाल अपराइजिंग, मुंडा अपराइजिंग, देवी अपराइजिंग, वो सब ऑप्रेस थे, सप्रेस थे, और इसीलिए इन लोगों ने विद्रोह किया। और ऐसा अब दे वेयर विदाउट लीडर्स, उनका अपना कोई लीडर नहीं था, एवरीवन गॉट एसिमिलेटेड, क्योंकि उनको ना तो लैंग्वेज का था कि कोई बोल कर उनको इम्प्रेस कर कर एक ग्रुप बना रहा है। बोले कि जैसे बात आई कि हम लोग इसको विद्रोह कर रहे हैं शराब बनाने को, या तो एवरीबडी केम टुगेदर, तो फिर एलीट का इम्पैक्ट कहाँ? सो दैट्स द सबल्टर्न। तब जो गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक है, शी इज अ ग्रेट हिस्टोरियन, शी ऑल्सो सपोर्टेड सबल्टर्न के लिए, और उन्होंने लिखा कैन द सबल्टर्न स्पीक, दिस वॉज द टॉपिक, मतलब दे कांट स्पीक, देयर वॉइसेस कांट बी हर्ड, दे आर मार्जिनलाइज एंड सबसर्वियंट, आर यू गेटिंग इट? सो इन्होंने हर एक जगह अपने किताब में एग्जाम्पल दिया। तब बाबा साहब आंबेडकर ने भी उन्होंने सबल्टर्न पर्सपेक्टिव लिखा, एंड बाबा साहब आंबेडकर ही सपोर्टेड द सबल्टर्न थिंकिंग दैट, बट दो ही हैज बीन कंफ्यूटेड एंड रिफ्यूटेड बाय हिस्टोरियंस, उनको बहुत लोगों ने विरोध भी किया है, क्योंकि उनका मानना है कि जो भी दलित ऊपर चले गए और जिनकी वॉइसेस उनको सुना जा रहा है एंड दे आर होल्डिंग हाई पोजिशन, दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड दलित, क्योंकि उनकी आवाज सरकार तक पहुंच रही है। बात है उन सब जेंडर, उन सब सेक्स, उन सब कास्ट जिसकी आवाज, सब कास्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ अपर एंड लोअर जो हम लोग बात करते हैं वो, तो इसके बारे में उन्होंने कहा। अब क्रिटिक्स आता है, इस थ्योरी को आसानी तो नहीं था, सब लोगों ने शिकायत किया, क्रिटिक्स, एंड उसमें रामचंद्र गुहा है, रोजालिंड ओ हैनलन है और क्रिस्टोफर डेली है, दे आर द वन हु क्रिटिसाइज एंड दे सेड कि ये कुछ भी नहीं है सबल्टर्न, ये तो एक्सटेंशन है मार्क्सिज्म का, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का। उन्होंने कहा, यहाँ तक कहा कि ये एलीट क्लास को ही सपोर्ट करते हैं, बिकॉज ऑल द प्रोपाउंडर्स दे ऑल केम फ्रॉम अपर कास्ट ऑफ द सोसाइटी हु वेयर राइटिंग अबाउट मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। उन्होंने कहा जो भी लिख रहे हो तुम लोग कुछ वर्ग के हो, तो ऐसा उन्होंने एलिगेशन लगाया। रामचंद्र गुहा ने क्या एलिगेशन लगाया? रंजीत रामचंद्र ने उन्होंने कहा रंजीत गुहा के लिए कि तुमने दो काम किया है, हेगल फिलॉसफी और प्रत्यक्षवाद, इन दोनों को अपने में इनकॉर्पोरेट किया, और आप देखेंगे इसी को बाद में डिफेंड करेंगे हम लोग आगे जाकर। बहुत सारे जब क्रिटिसिज्म हुआ तो इनको अभी डिफेंड करेंगे दूसरे हिस्टोरियन। तो इन्होंने कहा तुमने हेगल के फिलॉसफी को लिया, देर इज नथिंग, अभी कोई भी चीज नया नहीं था सबल्टर्न में, और जो तुम कह रहे हो कि एक नया हिस्टोरियोग्राफी आया है, एक नया इतिहास लेखन आया है, वो हम लोग मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि तुमने दो थ्योरी को लिया है और कॉपी किया है अपने राइटिंग में। अब आप समझे, सेकेंड जो उनके लिए था वो था रोजालिंड, और रोजालिंड का जो मेथड था उन्होंने क्या कहा, ये हिस्टोरियोग्राफी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आइडिया हैं एनालिसिस नहीं किया गया है, क्योंकि हिस्ट्री अगर आप केवल
फेस वैल्यू पे नहीं रह सकते, किसी ने कर दिया एंड यू एक्सेप्ट इट बिकॉज देयर इज नो एनालिसिस, सो इट इज नॉट एट ऑल अ प्रॉपर हिस्ट्री राइटिंग एंड हिस्टोरियोग्राफी। थर्ड जो था क्रिस्टोफर बेली, और उन्होंने कहा ऐसा कैसे, कोई भी गजेटियर में नहीं आया है, कोई भी डेटा में इनका कंट्रीब्यूशन उतना नहीं है, जितना आया है उतना तो हम लोगों ने अपने अपने बुक्स में और अपने अपने हिस्ट्री राइटिंग में डाला ही है, ट्राइबल अपराइजिंग, पेजेंट अपराइजिंग, तो आपके हिस्ट्री में नया क्या। तब इनका ये टेक है, अभी इसको इन लोगों ने कहा हम लोग इसको मानने को तैयार नहीं है। तब दीपेश चक्रवर्ती, और इन्होंने कहा ये तो फ्रैगमेंटेड है, आप जो कर रहे हो वो पूरे इसको तोड़ रहा है। तो इन्होंने उसको आंसर दिया कि कैसे ये फ्रैगमेंटेड नहीं। तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीका से, यू रीड द होल आर्टिकल इज यू नो ऑन हेगल फिलॉसफी, पूरा आर्टिकल उन्होंने हेगल फिलॉसफी और प्रत्यक्षवाद के लिया, और उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करता है एक दूसरे को, दे आर पोल सपाट, दोनों अलग अलग है हेगल और प्रत्यक्षवाद, तो तुम दो को कैसे मिला सकते। तो तुम्हारा पूरा जो बेसिस है ऑफ क्रिटिसिज्म वही रॉन्ग, एंड ही हैज रिफ्यूटेड, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो उन्होंने पूरे तरीका से उसको दीपेश चक्रवर्ती ने तोड़ दिया। और तब है ज्ञानेंद्र पांडे, उन्होंने भी डिफेंस में इसके लिए लड़ा अब, और इन्होंने कहा पार्टीशन पे इन्होंने लिखा कि जो पार्टीशन हुआ, हम लोग हमेशा देखते हैं इतने लोग मरे, इतना जमीन गया, व्हाट अबाउट लोअर, यू नो लोअर स्टार्टअप, लो स्टार्टअप, लोअर रंग, उनको तो किसी ने देखा ही नहीं, उनका हिस्ट्री उनके वॉइसेस को नहीं देखा गया। सो ही सेड कि सबाल्टर्न हिस्ट्री में दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सो इन द कंक्लूजन एक्चुअली सबाल्टर्न को बहुत अभी रिकग्निशन मिला है, बिकॉज पहला इन्होंने रिकग्नाइज किया ऑफ दोज पीपल जिनकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंची है, उनके आवाज़ को पहुंचाना और उनको रिकग्नाइज करना, ये बात पर उन्होंने ध्यान दिया। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो था, उन्होंने इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स को हिस्ट्री में डाला, और ये देखा गया कि होलिस्टिक अप्रोच हिस्ट्री में तभी आएगा जब आप हर एक आस्पेक्ट्स को लेंगे। तो ये जो है पोस्ट कॉलोनियल पीरियड का, अभी हम पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में हैं, इट इज कंसीडर्ड एज, अभी समझा जाता है वन ऑफ द पूरा तरीका से नहीं, बिकॉज आप केवल सबल्टर्न पे नहीं रह सकते, वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, और इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट बिकॉज ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर द, आई थिंक आई लव टू गिव आंसर्स, इफ वी हैव क्वेश्चन आंसर सेशन, यस प्लीज। I told you that in Marxism also they have talked about, you know, peasants and the workers. Okay? Mostly in Marx, Marx says no private property. Those people who do not own like private property, जिनके पास private property नहीं है, वही common है, वही workers, वही लोग हैं। तो उन्होंने केवल वर्कर्स को एक्सेप्ट, बाद में ऑफ कोर्स माओ सेतु ने और बाकी लोगों ने फार्मर्स लिया, लेकिन हर एक फार्मर को खेती का एक टुकड़ा, एक जमीन का टुकड़ा होता था, तो इन्होंने उनको लिया। मार्क्स, मार्क्स का जो कन्फाइंड था या तो वर्कर्स और थोड़े बहुत फार्मर्स, आप समझ। सबल्टर्न कहता है अनहर्ड, like those voices,
इररेस्पेक्टिव ऑफ, आप हो सकता है नहीं काम करते हैं फैक्ट्री में, हो सकता है बंधुआ मजदूर हो, हो सकता है आप डोमेस्टिक हेल्प हो, हो सकता है जो हम लोग के घर में काम करते हैं बाई, तो उनका भी तो कंट्रीब्यूशन है, उनका भी तो समझा जाना चाहिए कि उनके दादा ने क्यों पार्टिसिपेट, क्यों पूरी जनता बाहर आई। तो वो एक बेसिक अंतर है जिसको रामचंद्र गुहा, रंजीत गुहा ने, रामचंद्र गुहा इज अ क्रिटिक, उन्होंने क्रिटिसाइज। जैसे कि हम इसमें ओरल हिस्ट्री को कंसीडर करें, लेकिन हम ओरल हिस्ट्री जैसे है उसको हम कैसे कहेंगे हिस्ट्री, वो मिथक भी तो हो सकता है, या जैसे उसको हिस्ट्री कहना कहाँ सही है। देखिए हमारा जो इतिहास है ना भारत में, वो बहुत दिन से ओरल ही ट्रेडिशन चला रहा है। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, हम लोग अब पढ़ते हैं कि जो एडुकेशन है वो ब्रिटिशर्स के आने से हम लोग सब अंग्रेजी पढ़ने लगे एंड ऑल, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो वो उनका सबसे बड़ा हार्म था हम लोगों पर। अभी आप देखेंगे अगर डेटा ऐसे देखें तो ब्रिटिश के आने के पहले, हाँ, मैकॉले जैसे उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी में कहा भारत का एजुकेशन पॉलिसी बेकार है, एक एडमिरा जो है वो जितने भी अरेबिक बुक हैं और ब्रिटिश, ऐसे कहा। अब हम ओरल देखते हैं, हम लोग का मानना है ओरल में हम लोग सब पढ़े लिखे थे, भले हम हाई एजुकेशन, हम वोकेशनल में थे, जैसे जितनी भी औरतें थी वो रामायण पढ़ती थी, लिटरेसी रेट वॉज हाई हम लोग का। कैसे, हम आपको एग्जांपल देते हैं ओरल हिस्ट्री से। ओरल हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे, गांव से गांव में चले जाइए, कोई भी बच्चा जब नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में पैदा होता है तो हम लोग अन्नप्राशन करते हैं। अन्नप्राशन के बाद जब सरस्वती पूजा आता है तो हाथ खोड़ी करते हैं, उनको चौक छुलाते हैं और स्लेट पर, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। दक्षिण भारत में जाइए तो विद्या आरंभ है, उसको एक प्रोसेस है विद्या आरंभ, और वो हर एक बच्चे को खल्ली छुआया जाता है। अगर हम खल्ली छुआ रहे हैं, ये ओरल ट्रेडिशन, इसका मतलब हम थोड़ा तो पढ़ रहे थे, ज्ञान तो था हमको, किताब मतलब आपको किताबी नॉलेज जो अब आप करते हैं। देखिए एजुकेट होना और लिटरेट होना अलग है, हम सब अभी लिटरेट हैं, एडुकेटेड नहीं हुए, नहीं तो थूकते नहीं बाहर, नहीं तो हम लिटर नहीं करते, नहीं तो ये नहीं करते सरकार क्या कर रही है, तुम क्या कर रहे हो। हम लोग हमेशा इंस्टीट्यूशन को अटैक करते हैं, उसके पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए आप क्या कर रहे हैं। तो हमारा ओरल ट्रेडिशन, अब देखिए हम लोग को ओरली आता है, एक ट्रेडिशन है जैसे मिथिला पेंटिंग, मैं मैथिल ब्राह्मण हूँ, तो हम लोग में जब लड़की जाती है ससुराल, कोई नहीं जानता है कब शुरू हुआ, बट रामायण के टाइम से हमको वो स्किल सिखाया जाता है, ऐसे करो मिथिला पेंटिंग। जब हम जाते हैं ससुराल तो हम अपना स्किल, अपने घर का रीजनल डिफरेंसेस लेके जाते हैं, फिर वहाँ ससुराल का सीखते हैं, फिर दोनों चीज़ अपनी बेटी को सिखाते हैं, फिर जब वो, ये तो ओरली चला है। अगर आप देखिए हम लोग सब ओरली हैं, आयुर्वेद क्या है, ओरल है। अगर आप देखें छत्रपति छत्रसाल रानी झांसी, हम लोग उनके बारे में उदा देवी कैसे जाने, ओरल गाना से, किसी किताब में नहीं लिखा है, आर यू गेटिंग मनी। तो ओरल हिस्ट्री को अब बोला जा रहा है ट्रेडिशन में जो चला रहा है वो कब से चला आ रहा है। जैसे हम लोग में जो यज्ञोपवीत था, तो अगर आप देखें तो ऋग्वेदिक काल में लड़कियों का भी यज्ञोपवीत होता, तो अगर होता था तो पढ़ती थी। अगर आप देखें नौवीं शताब्दी 9th century में, तो शंकराचार्य और मंडन मिश्र का जो डायलॉग है आप देखेंगे, उस फोटो में एक औरत है जो आर्बिटर है,
भारती मिश्रा जी, तो औरत पढ़ी होगी तभी ना जज बनी होगी, और हम लोग कहते हैं एजुकेशन भी नहीं। तो ओरल हिस्ट्री जो चला आ रहा है ट्रेडिशन, या जो आपके घर में, तो इसका मतलब है कुछ तो कनेक्शन है। हम लिखना 4th century BC में आया, 4th शताब्दी से लिखा ही, उसके पहले हम ओरल ट्रेडिशन। और इसीलिए हम लोग को कहा जाता है जब तुम बोलो मानसा वाचा कर्मणा, तीनों में इंटरकनेक्शन होना चाहिए। गलत हो जाएगा हम जो बोलते हैं, हम जो प्रैक्टिस करते हैं, और हम जो, हम लोग को प्रीच करना बहुत आसान है बेटा पढ़ो पढ़ो, और खुद ही नहीं पढ़ना है तो फिर गलत हो जाएगा। सो दैट्स द थिंग हम लोगों का ओरल हिस्ट्री। और मैं थोड़ा जोर से बोलती हूँ, इसलिए मत सोचिएगा कि मैं असर्टिव हूँ, क्योंकि मैं ना बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। ऐसा कुछ लगा नहीं, तो नहीं लगा, आप लोगों को लगा? नो मैम। हाँ आगे पूछिए। किसका? हाँ, वो बहुत लोगों ने जो उन्होंने क्या मेंशन किया है उसको, किसने किया है मैं बताती हूँ आपको। उन दीपेश चक्रवर्ती ने किया, जो हमारे मजदूर थे जो गए। अब आप देखिए उसी को, माइग्रेंट लेबर्स की बात आप कर रहे हैं ना, जो हम लोग के देश से बाहर गए, उसी को गिरबिटिया कहते हैं ना। हाँ, तो उसके बारे में दीपेश चक्रवर्ती ने लिखा, और लिखा है किसके बारे में, तो उन्होंने लिखा मॉरिशस। बहुत सारे हमारे मजदूर जो थे उनको जबरदस्ती ब्रिटिशर्स ने वहाँ ले गए मॉरिशस, और उनको पूरा सप्रेस करके, जबकि वो जाना नहीं चाहते थे, अपने फैमिली को नहीं छोड़ना चाहते थे, और उनको बिना पानी के, उनको पहले दूसरा बोला गया था कि नौकरी, और तब जब वो वहाँ गए तो केन का खेती। आज भी अगर आप मॉरिशस जाएंगे तो वहाँ पे वो दो भाषा बोलते, एक भोजपुरी, उनको पता नहीं है पर का हो कैसा बाड़ा हथिया के पूछ पकड़ के ऊपर से ऊपर जेब का ऐसा करके बोलेंगे, और या फ्रेंच बोलते हैं मौ रंजना, ऐसे दो लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे हम लोग, जब मैं हार्वर्ड में थी तो मुझे फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना पड़ा था, तो उसमें मैं फ्रेंच पढ़ी थी थोड़ा देर के लिए, तो वो वहाँ पर दो भाषा बोलते। तो लोग गिरबिटिया जो हैं उनके बारे में भी वो लिखते हैं, क्योंकि उनकी भी वॉइस अब जाकर उनके जो बच्चे के बच्चे के बच्चे हैं वो लिख रहे हैं अपने दादा के बारे में। दे आर ट्रेसिंग देयर ओरिजिन इन आरा छपरा, वो अब पता लगा रहे हैं। तो इसमें हर एक वर्ग को लिया गया जिसकी आवाज़ नहीं सुनी। इनका कहना एक ही है, जिसकी आवाज़ सुनी गई, जैसे मेरी आवाज़, तो मैं दलित में नहीं आ सकती, चाहे मुझे नौकरी नहीं, अगर मतलब मैं रिकॉग्नाइज्ड हूँ, लेकिन उसको जात पात किसी से कुछ नहीं लेना है। अब आप समझे, उसको कास्ट से लेना है, उसको ऐसे लोगों से जिनकी आवाज़ ऊपर तक नहीं। जिस दिन आप रिकॉग्नाइज्ड हैं, आप दलित, मार्जिनलाइज, सबसर्वियंट नहीं, सबल्टर नहीं। और ये मतलब सबाल्टर्न या मार्क्स कमजोरी है, वो क्लास के बारे में बात करता है, क्लास के बारे में मार्क्स करते हैं, और ये कास्ट का। लेकिन मेनली तो अभी इंडियन जो सोसाइटी है कास्ट बेस है, तो उसको कास्ट बेस स्टडीज करने में सबाल्टर्न का तो देखने को नहीं मिलता है, कास्ट बेस। देखिए वो यही कहते हैं, हम लोग इसीलिए ऊपर नहीं उठ पा रहे क्योंकि हम कास्ट में हैं। ये वो कहते हैं हर एक कास्ट में, ऐसा तो नहीं है कि केवल दलित ही। एक जमाना था जबकि अपर कास्ट ने लोअर कास्ट को दबाया था, इसमें नो डिनाई है, हाँ ये गलत नहीं है। लेकिन अगर मेरे दादा ने किसी को मारा तो उसके लिए एम आई रेस्पॉन्सिबल, और अगर आज हम गरीब हैं
तो उनका कहना है हर एक कास्ट, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने तो इसी पे लिखा ही, हर एक कास्ट जिनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है किसी और तक, जो अपने अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, वो सबल्टर्न। एक पूरा रामायण हो गया, हमको लगता है मैं ठीक से पढ़ाई नहीं, मैं समझा नहीं, नहीं मतलब सप्रेस मत कीजिए, मतलब मेरे में कमी है। नो मैम, समझ में आया पूरा। इनका क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि देखिए एक हमारा कंडीशनिंग है, कंडीशनिंग ये है कि इंडिया इज अ प्लेस जहाँ की कास्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड इट इज डिवीजन ऑफ कास्ट इनटू सब कास्ट इनटू सब कास्ट एंड वी वर्क अकॉर्डिंगली, है ना, क्योंकि वो एक हमारे अंदर एक जैसे सब कॉन्शियस में है, इसलिए शायद वो इसलिए पूछ रहे हैं कि आप ये कह रही हैं कि एनीबडी हु डज नॉट हैव अ वॉइस इज मार्जिनलाइज्ड, पर उनका कहना है कि देयर आर सो मेनी कास्ट व्हिच डू नॉट हैव अ वॉइस। हां तो वो बिहार पार्ट है, आई होप आई नाउ आई क्लियर। एक और चीज आपको बताना चाहूं, 1939 के बाद भारत में कास्ट को ज्यादा डिफाइन, पहले से था लेकिन वो फ्लूइड था, अभी एक नया हिस्ट्री का बुक आ गया है एंड दे आर सेइंग कि पहले जो माइग्रेट करते थे ना लोग, मान लीजिए मेरे दादा, तो उनको लोग पूछा तुम क्या हो, तो बोला हम ब्राह्मण हैं। अब हो सकता है मैं दलित ही रही हूँ, बट मेरे दादा ने कहीं लिखवा, मतलब 1930 उसके बाद रिकॉर्ड आने लगा, उसके बाद से हम हेरिडिटरी होने लगे हैं। तो बोलता है पहले कास्ट फ्लूइड था, कहा कि लोग जाते नहीं थे कहीं, और अगर बाहर गए जैसे गए तो उन्होंने अपना कास्ट बदल दिया। और यहाँ रंजना मैं बस एक ही चीज ऐड करूँगी, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट को यू हैव टोल्ड अबाउट ओरल हिस्ट्री, बट शिवन देयर आर सो मेनी हिस्ट्री विच, देखिए इतनी सारी चीजें हैं विच वर लॉस्ट ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, ड्यू टू अर्थक्वेक, ड्यू टू सो मेनी थिंग्स, लाइक अगर हम भूटान के केस में देखें तो वहाँ फायर्स रहे हैं और सारे रिकॉर्ड्स खत्म हो गए हैं, तो उन लोगों ने अपनी हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोलोजियंस किए, दे ब्रॉट पीपल, और एक चीज है जिसे विजडम कहते हैं, बिकॉज अगर आपके दादाजी पढ़े लिखे हो सकते हैं उनके नाम के आगे PhD ना लगा हो, पर अगर कभी आपने उनसे बैठ के बात की होगी तो ही मे बी एबल टू नरेट सो मेनी थिंग्स। और एक जो रियल डेंजर है वो है कि हम जिस तरीके से वी आर मैकेनाइजिंग आर लाइफ और हम अपने ट्रेडिशन से अपरूट हो रहे हैं, वो क्या रहा है कि फोक लोर्स एंड जो हमारे लोकल चीज़ें थी स्टोरीज की, दे आर द बिगेस्ट कैजुअल्टी। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने टिबेट में, टिबेट की बात कर रही हूँ, भूटान में व्हेन आई वेंट टू देयर इज अ राइटर एंड शी सेड कि व्हेन आई वाज ब्रिंगिंग अप माय चिल्ड्रन मुझे लगा कि दे डोंट नो एनी ऑफ द स्टोरीज, तो आई डिसाइडेड द फर्स्ट थिंग इज टू पेन डाउन दोज स्टोरीज। तो फोक लोर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे अब आपको हम रानी झांसी की बात करें तो फिर क्या चीज़ याद आती है, या अगर हम अवंती बाई की बात करते हैं मध्य प्रदेश से, अगर आप जबलपुर एरिया में जाएं तो उनको लेके कितनी सारी चीज़ें हैं। तो सी व्हाट आई सेड वाज हिस्ट्री इज़ नॉट मेड समवेयर एल्स, इट्स नॉट मेड इन एनी लैब और समथिंग, इट इज़ मेड इन द सोसाइटी वी लिव इन, एवरी डे इज़ द प्लेस वेयर इट इज़ बीइंग फॉर्मुलेटेड। तो इसीलिए आप देखेंगे कि अब जो नए नए विचार आ रहे हैं, नए नए तरीके आ रहे हैं काम करने के, वो इसी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, दैट यू एंड दैट इज वाई इट इज गिविंग यू अ चांस टू रिफ्लेक्ट एंड टू राइट अगेन। और अगर आपको कुछ लगता है जैसे कि आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन टू हम्पी, बट दिस इज वन श्योर प्लेस यू शुड विजिट एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट विजयनगर एम्पायर वाज एंड व्हाट इट्स ट्रेड विद चाइना एंड आल्सो, सो दे आर द लिविंग एग्जांपल्स, पीपल मे नॉट हैव रिटन दैट मच, बट दैट इज द ओनर्स ऑफ राइटिंग, जो ओनर्स है दैट इज ऑफ राइटिंग। बट एज आई से आई थिंक आई विल मस्ट कंक्लूड because it is written by human beings, we will belong somewhere, we may belong this side, that side or in the center, but we will belong somewhere because we are all human beings, and this is the
majority of history that it is written by human beings. It does not have a formula, and that is why you must have seen during the lecture how an idea is born, it is refuted, and this is the process which is unending as the human civilization. Okay, thank you so much. It has been a pleasure, and everything has a reason and form. I think your class are now is not restful. अगर आप लोगों को लगता है मैं ठीक से पढ़ाई नहीं तो फ्लावर मत दीजिए.